हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अड़दिया। उसके लिए हमने थिक फ्लोर उड़द दाल का लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून मलाई मिला देनी है। हमने घी नहीं लिया है और मिल्क भी नहीं लेना है, इसमें सिर्फ हम मलाई मिला देंगे और अच्छे से मिलाकर पूरे आटे में घिसकर मिला देनी है हाथ से, और आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, अब इसे हम रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई में डाल के, और कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे करना है और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और घुमाते रहना है ताकि नीचे चिपक ना जाए और एक साइड से हो एक साइड से ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए घुमाते रहना है। 10 मिनट के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये लाइट थोड़ा गोल्डन हो जाएगा, तब तक इसे रोस्ट करना है। इसका स्मेल आ जाएगी, कच्चापन इसका दूर हो जाएगा। हमने छाना नहीं है, छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हो जाता है, गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी इसमें। अगर छाना हो तो आप छान सकते हैं, मगर मैंने नहीं छाना है। और अब मलाई डाल देंगे। मलाई हमने फ्रेश ली है, घर की ली है, और मोस्टली घर की ही लेनी चाहिए क्योंकि घर में फ्रेश होती है, और फ्रीज़र में स्टोर करनी है तभी आपकी फ्रेश रहेगी मलाई। और 600 ग्राम हमने मलाई ली है और अब घुमाते रहेंगे, हाफ गोल्डन ना हो जाए तब तक इसे रोस्ट करना है। पहले जो हमने आटे में मलाई डाल के रखा था मिक्स करके, उसे धाबो बोलते हैं, और वो करना ज़रूरी है, तभी अड़दिए दाने दाने वाले बनते हैं। अगर आप ज़्यादा मलाई लेना चाहें तो आप 700 ग्राम ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, ज़्यादा गूंद डालना है, और कोकोनट क्रस्ट ज़्यादा डालना है, तो आप 100 ग्राम तक मलाई और ज़्यादा ले सकते हैं, और गुड़ भी। गुड़ हमने 200 ग्राम लिया है इसमें, वो बाद में लेंगे, सिरप बनाएंगे उसका, वो डालेंगे, और सिरप बना के ही डालना है, ऐसे ही नहीं डाल देना है गुड़ को। अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो कठिन बन जाएंगे आपके अड़दिए, अच्छे नहीं बनेंगे, हार्ड हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, इसलिए बाद में हम वो सिरप बनाकर ही डालेंगे गुड़ का। हमने चीनी नहीं डाली है, हमने शुगर फ्री बनाए हैं ये अड़दिए। ये हमारा गोल्डन हो गया है, हाफ़ गोल्डन ही करना है। हाफ गोल्डन करने के बाद इसमें गूंद डालेंगे। अब हम इसमें गूंद डाल देंगे, ये हमने 100 ग्राम गूंद डाली है, आप 50 ग्राम भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कि ये क्योंकि गूंद बहुत अच्छी है खाने में, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उससे आपके जितने भी शरीर में दर्द होते हैं वो गूंद खाने से मिट जाते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आपको जितना भी लेना है, 100 ग्राम लेना है, 250 ग्राम लेना है, आप ले सकते हैं, मैंने 100 ग्राम लिया है। आप सभी मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता, किशमिश नहीं लेनी है इसमें, किशमिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती अड़दिया में, इसलिए हमने किशमिश नहीं ली है। और खसखस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मसाला मैंने बाहर का नहीं लिया है, घर में बनाया है, तज, लविंग, छोटी इलायची, ब्लैक पेपर, उन्हें कूट के 1 टेबल स्पून लिया है, और जिंजर पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है, ये कूट कर हमने लिया है, ये खसखस ली है 1 टेबल स्पून, और नारियल का बूरा मैंने 50 ग्राम लिया है, आप 100 ग्राम तक ले सकते हैं इसमें, और अच्छे से मिक्स कर देना है 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना। गूंद हमने ऐसे ही ली है, आप उसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं। अब गुड़ का सिरप बनाएंगे, उसके लिए हमने गुड़ लिया है, 200 ग्राम गुड़ लिया है, और इसमें 100 ml तक पानी डाल देंगे, और जब तक गुड़ पिघल जाए तब तक ही उबालना है उसे, उसके बाद 2 मिनट में गैस फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये हमारा गुड़ पिघल गया है, अब इसे गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रोस्ट किए हुए उड़द दाल के मिक्सचर में डाल देंगे। अब उड़द दाल का मिक्सर रखेंगे और गैस फ्लेम ऑन कर देंगे, और गुड़ का सिरप जो हमने बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे।
डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 मिनट तक अब रोस्ट करना है, मीडियम फ्लेम पे ही करना है, पूरा मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। आप इसमें जायफल भी डालें और पिपरी मुठ हो आता है वो भी कूट कर डालें। मैंने जायफल डाला है, पिपरी मुठ नहीं डाला है, उसका टेस्ट इसमें अच्छा आता है। अगर आप घर का मसाला नहीं डालना चाहें तो आप बाहर से अड़दिया का मसाला आता है पैकिंग में, वो भी डाल सकते हैं। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है अड़दिया का मिक्सचर। अब ठंडा हो जाए थोड़ी देर के बाद हम इसे बना देंगे अड़दिया के शेप में। अगर आप चाहें तो थाली में भी बना सकते हैं। और ऊपर से गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, क्रस्ट कोकोनट और खसखस के साथ। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं अड़दिया। ना आपको इसमें मिल्क डालना है, ना मावा डालना है, ना घी डालना है, ना मिल्क पाउडर डालना है, ना शुगर डालना है। फिर भी ये इतने टेस्टी और हेल्दी हैं अड़दिया। बना के ज़रूर देखिएगा, ये इजीली बन जाते हैं। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।